हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज के सेशन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपका रिलेटेड रहने वाला है कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली है पेपर वन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे, स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा व्यवस्था। यानी कि देखिए, स्वतंत्रता के पहले तक तो आप लोगों ने सर्जेंट रिपोर्ट तक पढ़ लिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने भाई द्वितीय विश्व युद्ध आना था तो उसमें सर्जेंट रिपोर्ट में आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि 40 साल में भारत को एकदम शिक्षित कर देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे, फलाना फलाना, बहुत सारे लालच देने का प्रयास किया था। लेकिन तब कुछ भी नहीं होने वाला था क्योंकि गुस्सा भारतीयों का चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जब 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, जो इंडियन एजुकेशन थी वो उस पर काम होना, उस पर विचार होना अपने आप से शुरू हो गया। बस समझ में हमको एक बात केवल नहीं आई, यानी कि जब मैंने ये सब चीज़ें एनालिसिस की तो मुझे एक बात बड़ी अटकी अपने समय से, क्या कि भाई जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या में देश आपका जो है वो क्या था, अशिक्षित था। जब देश आज़ाद हुआ तो देश क्या था भैया, अशिक्षित था। अच्छा, अब अगर कोई चीज़, कोई जो आपके देश है अगर वो अशिक्षित होगा तो आप लोग भी पढ़े लिखे शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा पर पहले बल देंगे, है ना, प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देंगे। लेकिन अपने यहाँ भारत देश में सब अपोजिट हुआ। क्या हुआ, सबसे पहले 1947 में आज़ादी मिली, 1948 में आपका 1948-49 में आपका विश्वविद्यालय आयोग बना, जिसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक, जो कि आपके क्या थे भैया बताइए, कौन थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण? तो भैया देखो, जो आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनकी नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को हुई। और सचिव अगर पूछा जाए इसका कौन था तो आप क्या बताएंगे, श्री निर्मल कुमार सिद्धांत जी थे। आयोग ने कुछ अपनी मेन मेन बातें जो कही हैं उससे रिलेटेड हम आपसे डिस्कशन कर रहे होंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा है टॉपिक, लेकिन जो हम बात कर रहे होंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे होंगे। अच्छा, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये आपके भारत के दूसरे राष्ट्रपति यानी द्वितीय राष्ट्रपति। और बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी बताओ ज़रा, भूल गए सब क्यों? बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ये आप बताइए, और जोनाथन डंकन ने की थी ये हम बता रहे हैं आपको। तो ये भूतपूर्व उपकुलपति भी रह चुके हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था, इसको बनाने का इनका उद्देश्य था विश्वविद्यालय संस्कृति का मूल्यांकन करना है, समाज का गठन करना है, छात्रों में मूल्यों के विकास का गठन करना है। ये आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र, देखो अगर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला शिक्षा आयोग कब बना, क्या पूछा जाए, पहला शिक्षा आयोग कब बना, तो आपने अभी पढ़ा था थोड़े से समय पहले, जब 1882 वाला, ठीक। उसके बाद में अब अगर पूछा जाए स्वतंत्रता पश्चात पहला शिक्षा आयोग कौन सा बना, तो भैया स्वतंत्रता पश्चात पहला शिक्षा आयोग आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना, जो 1948-49 में बना, ठीक। इनके क्या सुझाव थे, क्या था, इन सब पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य, मतलब खुद आयोग ने ये बात कही, क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना है, ये बात इन्होंने खुद कही थी, इस आयोग के माध्यम से कही गई थी। अब आयोग ने केंद्र में क्या किया, ग्रामीण विश्वविद्यालय और उसके वृत्ताकार स्थिति में अनेक शाबाशिक पूर्व स्नातक कॉलेज बनाए जाने की सिफारिश की, जिनमें से प्रत्येक कॉलेज में लगभग 300 तथा संपूर्ण विश्वविद्यालय में 2500 के करीब छात्र हों, ऐसी बात इन्होंने कही थी। और इनके सुझाव जो थे वो क्या क्या थे, सबसे पहली बात तो 12वीं के बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश लें, मतलब जब बच्चे का क्लास 12th कंप्लीट हो जाए तभी वो विश्वविद्यालय में प्रवेश ले, ठीक, और 18 साल के बाद इन्होंने ये एज भी बताई, ठीक। उच्च शिक्षा का संगठन 3 स्तरों पर किया जाएगा, स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान। तो कौन कौन से 3 स्तर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च। स्नातक पाठ्यक्रम कितने का इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने कहा कि भैया ग्रेजुएशन 3 इयर्स का, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2 साल का और शोध कार्य कम से कम 2 साल का होगा, ठीक, ये बात एक बताई इन्होंने। इन्होंने कहा
कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश भी की थी। उसके अलावा इन्होंने ये कह दिया एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत, मतलब कोई डिग्री इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उच्च शिक्षा में इन्होंने क्षेत्रीय भाषा का कहा कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो, है ना, और अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा वरीयता इन्होंने खैर नहीं दी थी, ठीक। और उच्च शिक्षा का वर्गीकरण इन्होंने तीन वर्गों में किया था। कौन कौन से तीन वर्ग थे वो आपके, तो कला विज्ञान व व्यवसायिक वर्ग, कि कौन कौन से थे, कला विज्ञान और व्यवसायिक वर्ग थे। और इन्होंने तकनीकी शिक्षा में किया जाए व इन वर्गों की शिक्षा हेतु कला विज्ञान और व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा के अलग अलग विभाग खोले जाएँ, ऐसे उद्देश्य थे इनके। व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा को इन्होंने 6 भागों में विभाजित किया था। वो 6 वर्ग कौन कौन से थे, कृषि, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, उसके बाद में कानून, शिक्षक प्रशिक्षण, कौन भैया, टीचर्स ट्रेनिंग और चिकित्सा। टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात इसमें कही गई थी, याद रखिएगा, ठीक। उसके अलावा सरकार ने सन 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में बदल दिया और सन 1956 में इसे एक कानून द्वारा स्वतंत्र संस्था का दर्जा भी प्राप्त कर दिया। इन्होंने विश्वविद्यालयी शिक्षा को, अभी तक शिक्षा कैसा विषय था, राज्य विषय था, अब इन्होंने कहा विश्वविद्यालय शिक्षा जो होगी उसको इन्होंने कहा कि ये संवर्ती सूची में रखने का भी सुझाव दिया था अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। और ये पहला आयोग था जिसने 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षा की अनिवार्यता पर भी बल दिया था। समझ में आ रही है बात को। सरकार ने 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की और इसे ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। सन 1959 में राष्ट्रीय सेवा आयोग यानी NSS, जिसको आप नेशनल सर्विस स्कीम कह सकते हैं, और 1963 में NCC, जिसे आप नेशनल कैडेट कॉर्प्स या कैडेट कॉर्प्स कहते हैं, इसकी भी प्रारंभ की इन्होंने, ठीक। इतनी बात होप्स हो कि समझ में आ गई होगी, है ना। ये इसके क्या थे, मुख्य बिंदु थे जो हमने आपको पढ़ाए हैं। बाकी है तो ये अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक, ठीक। होप्स हो कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने आपसे ये नहीं कहा कि सेशन शेयर कर दो, तो भाई कहा नहीं है तो आप लोग कैसे कर देंगे ना, और आप ऊपर से कहोगे जरूर कि मैम आपने कहा ही नहीं। तो अब तो मैम ने कह दिया है, जाओ फटाफट से शेयर करके आओ, जा करके भाई सेशन शेयर कर दीजिए एक बार सभी। और ये लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट रुकने नहीं चाहिए। अगर आप लोगों का कमेंट्स बहुत अच्छा हुआ, समझिएगा बात को, अगर आप लोगों के कमेंट्स बहुत अल्टीमेट आएंगे तो हम आप लोगों को पेपर 2 की भी क्लास देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो या पेपर 2 तो चलो इजी है, पढ़ लोगे, पेपर 3 का इस तरीके से हम आपको प्रयास करेंगे क्लास देने का, क्योंकि पेपर 3 का सब बच्चों कह रहे हैं कि मैम टफ 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 है ना, तो पेपर 3 की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्या शुरू करें, पेपर 2 की पेपर 3, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कैसी लगी क्लास ये भी आपको बताना है। चलो आ गए सब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ, तो ब्रिटिश शासन का अंत आपका 1947 में हुआ, तभी देश आज़ाद हुआ। भारत वर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हुई कब हुई, तो 1947 में। भारत में विश्वविद्यालय की स्थिति पर किसने विचार किया था, तो ये किया था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर सुदृढ़ करने के लिए कौन सी परिषद ने विचार किया था, ये किया था आपके केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद और अंतर विश्वविद्यालय परिषद ने। सर जॉन सर्जेंट ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, सर सर्जेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये इन्होंने 1944 में दी थी। केंद्रीय शिक्षा विभाग के एक स्वतंत्र इकाई के रूप किसने प्रदान किया, ये किया था भारत सरकार ने। केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता कब प्रदान की, तो 1947-48 यानी कि देश आज़ादी के बाद। केंद्र सरकार ने सर्जेंट योजना के सुझाव को स्वीकार 1945 ईस्वी में किसका गठन किया, ये किया था आपका शिक्षा योजनालय का और पॉलिटेक्निक कॉलेज का, दोनों ही सही हो जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हुआ था आपका सन 1946 में। कब हुआ था ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन पूछा गया है ना। स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान कब लागू हुआ, स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान आपका 1950 को लागू हुआ था, ठीक। किस अनुच्छेद में ये है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 29(2) में। क्या कहा गया है, अच्छे से याद रखिएगा इससे, देखो अनुच्छेद 100% क्वेश्चन बनेंगे और पेपर 1 में कम, पेपर 2 में ज़्यादा बनेंगे, याद रखिएगा।
क्या कहा गया अनुच्छेद 29(2) में कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष तक की आयु तक पूरी शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। कहा गया है कि मानव अधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया गया है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 25 में कहा गया है मानव अधिकार घोषणा पत्र में कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत बात कही गई है? अनुच्छेद 25 के तहत ये बात आपकी कही गई है। होप सो यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? क्वेश्चन नंबर 14, तो ये बात कही गई है आपके अनुच्छेद 4 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ द्वारा मानव अधिकार आयोग की घोषणा कब की गई? ये की गई थी आपकी 1948 में। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? क्वेश्चन नंबर 16, ये मनाया जाता है आपके 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आ रही है बात समझ? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। मानव अधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 25 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। भारतीय संविधान को लागू करते समय नागरिक के लिए कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट किया गया था? तो 7 प्रकार के। वर्तमान में कितने? 6। कौन सा हटाया गया था ये कमेंट सेक्शन में बताइए। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का विचार निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 20, ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके यूएसए से लिए गए, ठीक है। उसके बाद में एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों के सीनेट में कितने सदस्यों से अधिक से सदस्य नहीं हो सकते हैं? 100 से अधिक नहीं हो सकते। भारत के संविधान में संपत्ति के मूल अधिकार को कब वापस लिया गया था? 1978 में। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए भारतीय संविधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 24, 14 वर्ष तक। अच्छा, 6 से 14 वर्ष तक का प्रावधान है, लेकिन वर्धा समिति में वर्धा योजना याद है, वहाँ पर 7 से 14 या 7 से 15 की बात की गई, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25, तो इज दैट मौलिक कर्तव्य। कैसे याद रखोगे? 51 का मतलब कर्तव्य, ठीक। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निर्दिष्ट है। समानता, समता तथा समानता का अधिकार भी जिसे आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शिक्षा को संवर्ती सूची में लाया गया कब? क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन सी 1976। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अधिकार ये प्रदान करता है आपको? अनुच्छेद 32 में किस चीज़ का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 28, संवैधानिक उपचारों के विरुद्ध अधिकार। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किसमें किया गया? क्वेश्चन नंबर 29, ये किया गया है अनुच्छेद 45 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से 28, 29, 30 और 45 ये किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 30, ये आपका रिलेटेड है शिक्षा से यानी एजुकेशन से। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि 21 ए में क्या कहा गया, अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया, 30 में और 45 में क्या कहा गया। ये आपका काम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक पेपर पे लिखो, चाहे जो करो, क्योंकि इन्हीं अनुच्छेदों से क्वेश्चन बनेगा, बस ये समझ लीजिए आप, है ना। तो भारतीय संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 21 का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? क्वेश्चन नंबर 31, ये है आपके प्राथमिक शिक्षा के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है? क्वेश्चन नंबर 32, तो उच्चतम न्यायालय है। अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 में। उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिए भारत सरकार के समक्ष एक शिक्षा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव किसने रखा था? क्वेश्चन नंबर 34, ये रखा था आपके अंतर विश्वविद्यालय परिषद और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार ने।
भारत सरकार ने विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की? अब क्वेश्चन बनने लगे, समझना यहीं से। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति नवंबर 1948 में की, याद रखिएगा बात, ठीक है। फिर देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ से आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किस नाम से और जाना जाता था आपका? तो भाई सीधी सी बात है, जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम से और जाना जाता है। तो जब राधाकृष्णन जी अध्यक्ष थे तो राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या कह रहा है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? तो हमने आपको बताया था डॉक्टर निर्मल कुमार सिद्धांत जी थे। राधाकृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब रखा? तो ये रखा था इन्होंने 25 अगस्त 1949 को, याद रखिएगा 25 अगस्त 1949 को राधाकृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन रखा था। नेक्स्ट, राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए क्या सिफारिश की थी? ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो जो राजनीति प्रशासन का नेतृत्व करे, दूरदर्शिता, साहसी और बुद्धि का विकास करे, व्यक्ति और समाज के समायोजन में नवीन विधियों की खोज करे। तो ये सभी सही हो जाएगा। आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय में कितने दिन का वर्ष के कार्य दिवस को रखा जाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 180 दिन क्या हो? वर्किंग हो। उसके बाद में देखिएगा, आयोग द्वारा स्नातक कोर्स की अवधि कितनी रखी गई थी? ग्रेजुएशन कितने साल का बोला गया था? बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, 3 साल का। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए शोध कार्य की अवधि कितने वर्ष की हो? 2 वर्ष की कम से कम कही गई थी। अनुसंधान विश्वविद्यालय का प्रमुख कर्तव्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, तो पर्याप्त संख्या में शोध वृत्तियां उपलब्ध हो, छात्रों के मार्गदर्शन के लिए शिक्षक की व्यवस्था हो, शोध कार्य के लिए विभागों की सहायता की जाए। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। उच्च स्तर पर शोध कार्य करने के लिए कौन सी डिग्री दी जाए? क्वेश्चन नंबर 45, तो ये हो जाएगा आपका डीलिट और डीएससी। क्वेश्चन नंबर 46, 1960 से 1961 ईस्वी तक कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? 45 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर समिति की स्थापना कब की? ये की थी 1954 में। यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार का सबसे बड़ा विषय कोई है तो वो परीक्षा है, ये कथन किसका है? आयोग का है। किस आयोग का है? राधाकृष्णन आयोग का है। कमीशन ने विश्वविद्यालय में कितने छात्रों की संख्या निश्चित की थी? 3,000 छात्र यूनिवर्सिटी में। विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों की संख्या होनी चाहिए, जो विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय होते हैं ना, एफिलेटेड कॉलेज, इनमें स्टूडेंट्स की क्या होने चाहिए बोले तो कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 50, सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज योर्स, ऑप्शन डी 1500। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाए? माध्यमिक स्तर पर, बात समझिएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगी। विश्वविद्यालय में शिक्षक का सप्ताह में कितने घंटे का अध्यापन कार्य हो? क्वेश्चन नंबर 52, 18 घंटे का। कमीशन के अनुसार विश्वविद्यालय में जूनियर एवं सीनियर शिक्षकों का क्या अनुपात होना चाहिए? 2:1। हमें विश्वास है कि यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा में केवल एक सुधार देने को कहा जाए तो वह परीक्षा का होना चाहिए, कैसा? तो ये कथन आयोग का था। राज्य के राज्यपाल को विश्वविद्यालय में कौन सा पद प्राप्त है? कुलपति का। जो राज्य का राज्यपाल होता है ना, वो यूनिवर्सिटी में उसको कौन सा पद प्राप्त होता है? तो कुलपति का। पूर्णकालिक और कार्यकारिणी की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? उपकुलपति की। एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी परिषद में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। एकात्मक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 40 सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कौन से सदस्य शामिल थे? आप पढ़िए क्वेश्चन। तो भैया डॉक्टर ऑर्थराई, जेम्स एफ डफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सभी शामिल थे। किसने कहा था कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं? तो शिक्षक जो है वो राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं, ये कथन आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का था। भारत में शिक्षा को संवर्ती सूची में लाने वाला संविधान संशोधन कौन सा है आपका? वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा कब हुई? ये हुई थी 1948 में। संविधान की धारा 15 का संबंध किससे है? धारा 15 का संबंध धर्म के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध इससे संबंधित है।
राज्य द्वारा संचालित किसी शिक्षा संस्था में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार संविधान की किस धारा के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29(2) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका के बाद में जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा शुल्क में वृद्धि। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन। क्वेश्चन नंबर 67, ये आपका 1988 में है। भारतीय संविधान की धारा 25 जो है वो किससे संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ चीज, एकदम ना टॉपिक है एक तरीके से, है ना, तो बस थोड़ा सा इसीलिए ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्व के कार्यों को समेकित करना था। संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है? तो सीधी सी बात है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सार्वभौमिकता से है। शिक्षा का संविधान को किस सूची में, शिक्षा संविधान को सूची है, शिक्षा को संविधान की सूची में रखा गया, तो ऑप्शन डी 1976। ठीक, अब देखो, अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो किससे रिलेटेड रहने वाला है? देखिए भाई, तो ये रिलेटेड रहने वाला है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित, जिसे देखो अब जब क्या हुआ कि राधा कृष्ण आयोग आया, तो अब समझिएगा बात को यहाँ से। तो ये क्या था कि इन्होंने सारी चीज़ें किस पे की, तो विश्वविद्यालय पे की थी। उसके बाद में जब ये सब फेल होता दिखा इनको पूरा पूरा सिस्टम, तब इन्होंने कहा, किसने, विश्वविद्यालय आयोग ने कहा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा कि देश में जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो माध्यमिक शिक्षा की है, तो इसलिए क्या किया जाए, माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए और फलाना फलाना, मतलब सब चीज़ें जो हों वो बदलाव हों, ये वो, ये सब इन्होंने बातें कही थी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की भाई कब गठन हुआ और इसको क्या कहा गया? तो पहली बात तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वो 1952-53 में आया, और इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? सबसे बड़ी बात तो आपको ये जानना है भाई, इसके अध्यक्ष थे आपके, कभी कभी क्वेश्चन LS करके भी पूछ देता है, कभी कभी आपको डॉक्टर LS मुदालियर भी दिखेगा, है ना, तो LS मुदालियर भी अगर आपको दिखे तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है पूछ दें, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी था। क्या था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी। और ये क्या, इन्हीं के नाम पर माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के भी नाम से जाना गया। ठीक, अच्छा आप समझते हैं कि ये था क्या। तो ये आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित हुआ था, सीधी सी बात है, 1948 में ये आया। अब 1948 के बाद में जब उनसे कुछ नहीं हो पाया तो 1952-53 में ये आया, परंतु ये माध्यमिक शिक्षा के लिए पहला आयोग था भाई। इससे पहले जो आया वो तो विश्वविद्यालय था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। वो स्वतंत्र, अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला माध्यमिक शिक्षा कौन सा था, तो आपका यही था माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो आपका 1952-53 में आया। यदि स्वतंत्रता के पूर्व पूछा जाए तो सन 1882 में, कब, अगर स्वतंत्रता से पहले पूछा जाए तो 1882 में माध्यमिक शिक्षा के विषय पर हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे अपने क्या दिए थे, अपने जो है एक सुझाव दिए थे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर सन 1919 में जब सडलर आयोग आया, तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, हम पीछे आपको फ्लैशबैक मिले जा रहे हैं भाई, 1882 में आपका हंटर आयोग, फिर 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ना याद करो, चुप्पे शिक्षा पढ़ रहे हो, तो इससे संबंधित सेडलर आयोग का जब गठन किया गया तो इसका कार्य भी क्या था, माध्यमिक शिक्षा का जो प्रारूप था उसको चेंज करना। अब बात आई स्वतंत्रता के पश्चात, तो 1952-53 में भारत सरकार ने कब, भैया डेट जरूर याद रखिएगा, 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति आपके कौन थे? तो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी को इस क्या किया, इस आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, और इन्हीं के अध्यक्ष के नाम पर इसे क्या कहते हैं, मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग भी कहते हैं। 28 अगस्त, अब देखो सितंबर, 23 सितंबर 1952 को ये आयोग बना, फिर 28 अगस्त, यही डेट्स इंपॉर्टेंट है जो हम लिख रहे हैं, फिर 28 अगस्त 1953 को क्या हुआ, 52 और सन 53, यानी लगभग एक साल का समय है ना, 28 अगस्त 1953 को 15 अध्यायों में, कितने अध्याय थे, 15 अध्यायों में प्रश्न पूछा जाए तो 244 पृष्ठों की एक रिपोर्ट सरकार के समक्ष अपनी इन्होंने प्रस्तुत की। भारत
सरकार के से आयोग का गठन करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो बोर्ड था, जिसे आप कैब के नाम से जानते हैं, CABE, ये सबसे शक्तिशाली बोर्ड माना गया है आपका, कौन सा? CABE, जिसे आप कैब के नाम से जानते हैं, है ना? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है बोलिए? नहीं पता तो गूगल करके आइए। आप सोचो मैम बताएंगी, तो मैम नहीं बताएंगी कुछ, आप काम अपने आप से भी करो, है ना? हम आपको हिंदी में तो बता दिए हैं। देखो भाई, तो जो आपका क्या था, कहाँ पे थे हम, हाँ, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इस आयोग का गठन करने के लिए भारत सरकार से कहा था। तो आयोग के गठन के मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को अध्ययन करना था। कुल मिला के जो भी आपके माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड दिक्कतें आ रही थी भारत देश में स्वतंत्रता के पश्चात, उनका अध्ययन किया। और माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी कही गई, इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए, 7 वर्ष होनी चाहिए, और इसका प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा यानी जूनियर बेसिक की कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद होना चाहिए, यानी क्लास 6 के बाद होना चाहिए। और अगर एज पूछी जाए, मतलब 7 साल की तो पढ़ाई होनी चाहिए, एज पूछी जाए तो 11 साल से बच्चा कितने साल का होना चाहिए, 17 साल के बच्चे होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की ये अवधि जो थी, इनको 2 भागों में बांटा गया, 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा, 4 वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। 3 वर्ष की जूनियर के अंतर्गत आपका 6, 7, 8 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक के अंतर्गत आपका 11th, 12th, 9th और 10th, ये 4 क्लासेस आ जाएंगी, है ना? और इन्होंने कहा कि कक्षा 11 व 12 वाली वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा के स्वरूप को बदलकर 11वीं कक्षा को हाई स्कूल तथा 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया जाना चाहिए। कक्षा 11 तक उत्तीर्ण छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक व प्रावधिक, व्यावसायिक बोले तो वोकेशनल, प्रावधिक बोले तो टेक्नोलॉजिकल संस्थानों में प्रवेश की भी अनुमति दे देनी चाहिए। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर NCC और NSS, है ना, इन सब की भी रेड क्रॉस की व्यवस्था की जाए। साथ में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। आयोग ने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, कि मातृभाषा को माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, जिससे माध्यमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ये बात भी कही थी। किसने कही थी आपके, तो माध्यमिक शिक्षा, या आप कह सकते हैं मुदालियर आयोग के द्वारा। अब चलेंगे हम लोग इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो अगर कोई पॉइंट आपका छूट गया होगा तो वो इससे हम कवर अप करवा रहे होंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 23 सितंबर 1952। कब हुआ? 23 सितंबर 1952 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता था, तो मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार से आयोग का गठन करने के लिए किसने आग्रह किया था, भारत सरकार से आयोग का गठन करने के लिए किसने आग्रह किया था? अभी बताया, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, किसने किया था बताया ना। आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, माध्यमिक शिक्षा के आधार शिल्प, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। माध्यमिक स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा की क्या समस्याएं थी, इनका अध्ययन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की निर्धारित की गई, अभी अभी थोड़ी सी देर पहले करवाई है, जस्ट 7 वर्ष की। किस कक्षा से किस कक्षा तक होगी, ये भी बताओ, 5 से 11 तक, ठीक। उसके बाद में क्या है, माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक होगी, ये थोड़ा सा चेंज करिएगा, 6 to 12th करिएगा, ठीक है इसको। उसके बाद में क्या, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये आपके 2 भागों में विभाजित किया गया था। शिक्षण काल के 2 भाग आपके कौन कौन से थे अगर पूछा जाएगा, तो जूनियर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कितने वर्ष की होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये होनी चाहिए आपकी 3 वर्ष की, ठीक है, ग्रेजुएशन पूछा गया ना, हाँ 3 साल का। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे, तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि, नेतृत्व शक्ति का विकास, ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 थे, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की जांच करने के लिए आयोग ने कितने प्रश्नों का प्रतिवेदन तैयार किया था,
ये तैयार किया था 224 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विद्यमान समस्याओं की जांच के लिए इसको कितने अध्यायों में कितने अध्यायों में प्रतिवेदन तैयार किया था। प्रश्न संख्या 13, तो भैया 15 अध्यायों में। मुदालियर आयोग के सदस्य कौन थे आपके? देखो एक आध क्वेश्चन हो सकता है, देखो मैं एक बात और भी बता दूं आपको, मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवा रही हूं, अगर आपको कहीं पे भी 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर पूरे वीडियोस में कहीं गलत दिख जाए इन केस, तो आप उसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर के साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उसमें इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पढ़ाया जो टॉपिक है वो एकदम सही है, ये याद रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप बता दीजिएगा। मुदालियर आयोग के सदस्य आपके कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका? ये थे आपके मुदालियर आयोग के सदस्य कौन थे भाई? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर तो अध्यक्ष ही थे मान लो, है ना? तो एन बसु और एम एस चारी और जॉन क्रिस्टी ये सभी थे, ठीक। मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे? ये आपके एन बसु थे। भारत सरकार ने के शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन थे आपके? ये थे आपके केजी सैयद एच, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सह सचिव कौन थे अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे डॉक्टर एम एस चारी। माध्यमिक शिक्षा द्वारा नागरिकों में किन गुणों का विकास किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18, तो नैतिक गुणों का, सामाजिक गुणों का और बौद्धिक गुणों का, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। हमें पूर्व अंकित सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में पूर्ण इकाई है और तैयारी का स्तर मात्र नहीं है। इस अवधि के अंत में छात्र यदि वह चाहे जीवन के उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने और उपयोगी व्यवसाय को अपनाने की स्थिति में होना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन है आपके आयोग का, ठीक। नवीन संगठन के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ कितने वर्ष बाद होना चाहिए? ये होना चाहिए आपके 4 से 5 वर्ष के बाद। राज्यों के ग्रामीण विद्यालय में पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन सी पशुपालन और बागवानी, ये दोनों करना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकारों को मेरिट के आधार पर चुने छात्रों को क्या देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 22, निःशुल्क छात्रवृत्ति देनी चाहिए। आयोग ने स्त्री या बालिकाओं के लिए किस विषय की विशेष सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए? गृह विज्ञान की। शिक्षा से संबंधित मामलों में शिक्षा विभाग को परामर्श देने के लिए राज्य को किस परिषद का गठन किया जाना चाहिए? राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद का। किसी कक्षा में प्रवेश दिए जाने वाली छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30 से 40। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षण का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? प्रादेशिक भाषा। क्षेत्रीय भाषा पे कहा था इन्होंने, वैसे तो प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, है ना? तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे ऑप्शन बी लग रहा है और आपका गिवन ऑप्शन डी है, है ना? जहाँ तक हमें अगर कन्फ्लिक्ट होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, तो ऑप्शन डी भी सही होगा, है ना? एक बार ये क्वेश्चन का आंसर जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग करिएगा, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट लग रहा है मुझ पर। उच्च एवं उच्चतर स्तर पर कम से कम कितनी भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए? 2 भाषाओं का। अच्छी शिक्षा का रहस्य छात्रों को यह अनुभव करने के सुयोग्य बनाना है कि उसकी प्रतिभाएं एवं अभिवृत्तियां क्या है और किस ढंग से और किस सीमा तक वह अपनी भली प्रकार विकास कर सकता है, जिससे वह उचित सामाजिक सामंजस्य प्राप्त कर सके और उचित प्रकार का रोजगार खोज सके। ये कथन किसका है पूछा गया है? ये है आपके मुदालियर आयोग का या माध्यमिक शिक्षा आयोग का। उच्च अधिकार पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 29, ये होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्षेत्र के कुलपति और राज्य के न्यायपालिका के उच्च अधिकार द्वारा, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पाठ्य पुस्तक समिति के पुस्तक के प्रारूप के लिए किन मानदंडों को निर्धारित करना चाहिए? मुद्रण, उद्धरण, कागज या इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 30, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाशन की बिक्री से प्राप्त धनराशि का कहाँ उपयोग करना चाहिए?
ये करना चाहिए। छात्रवृत्तियों और पुस्तकों को प्रदान करने में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक समिति और प्रकाशनों के पुस्तक के उद्धरण के सुधारने में कौन ऋण देता है, ये देता है आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोनों। अध्ययन के प्रत्येक विषय के लिए कितनी पाठ्य पुस्तक पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में सम्मिलित होनी चाहिए, तो अधिक से अधिक पुस्तकें और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकें। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। आयोग के अनुसार शिक्षण की विधियों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उचित अभिवृत्ति, ज्ञान प्रदान करना, अभीष्ट मूल्यों की वृद्धि, ये सभी सही हो जाएगा। विद्यालय को व्यवहार में कौन से सिद्धांत अपनाने चाहिए, तो विद्यालय को व्यवहार में क्रियाविधि और योजना विधि दोनों ही अपनानी चाहिए। आयोग ने शिक्षण के सभी विषयों के भाषण व लेखन में किस अभिव्यक्ति पर बल दिया है, क्वेश्चन नंबर 36, तो स्पष्ट अभिव्यक्ति और स्पष्ट चिंतन इन दोनों पर बल दिया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों में साहित्यिक एवं रुचि विकसित करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, तो पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए। विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, मॉनिटर्स की नियुक्ति, प्रिफ्रेक्टर्स की नियुक्ति, छात्र परिषद की नियुक्ति, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। विद्यालय में किस प्रकार की स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, तो भैया प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड वाली है ना। किस उम्र के शिक्षकों को छात्रों के साथ शारीरिक क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, 40 वर्ष से कम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विद्यालय में परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए, ऑप्शन निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के होने चाहिए। एक आपने यहाँ एक पढ़ती हैं है ना अपनी क्लास से, जिनका नाम शायद शिवानी है कि शिवांशी है, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, उनकी 2.5 साल की बिटिया है, वो पढ़ रही थी, क्या कह रही है पता है, कह रही है मैम तो रेड पेन से पढ़ा रही हैं आज मम्मा, और उन्होंने ये बात कमेंट की, हमें इतना अच्छा लगा, अगर आज आप सुन रही हैं तो हमें तरफ से हेलो बेबी को बोल दीजिएगा आप, है ना। मुझे लिटरली ऐसे कमेंट्स बड़ी मज़ा आ जाती है, एक तो बच्चों से प्यार भी बहुत है हमें। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है, माध्यमिक विद्यालय पूर्ण होने पर किस प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए, तो माध्यमिक विद्यालय पूर्ण होने पर आपकी एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। सार्वजनिक परीक्षा पर कौन सी परीक्षा प्रणाली प्रारंभ की जानी चाहिए, तो ये पूरक परीक्षा प्रणाली प्रारंभ की जानी चाहिए। शिक्षकों को अपने भविष्य के संबंध में कौन सी योजना का प्रारंभ करना चाहिए, ये आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 44 त्रिलोक योजना। शिक्षकों की शिकायतें एवं अपील सुनने तथा निलंबन या पदच्युत आदि के लिए कौन सी समिति गठित की जानी चाहिए, प्रश्न संख्या 45 तो निर्णायक मंडल। छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो धर्मपरायणता, नैतिकता, अनुशासन, इन सभी का। छात्रों का चुनाव में भाग लेने की उम्र कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए भाई 18 वर्ष। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कितने वर्ष का होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 48 ये होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में कितने दिन का कार्य दिवस होना चाहिए, माध्यमिक की बात की गई है, 200 कार्य दिवस होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलेंगे, परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्नों को कम करना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों को कम करना चाहिए। परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्नों को लागू करना चाहिए अगर पूछे, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, जैसा आप लोगों के सेमेस्टर प्रणाली में किया गया। नो डाउट MCQs वाले पेपर में ज़्यादा परसेंटेज भी बनता है और एक रिलायबल चेकिंग हो जाती है कि पता हो जाता है एग्जैक्टली बच्चे ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षाओं के मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंकों के आधार पर और संकेत दोनों के आधार पर। स्नातकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सी परिषद होनी चाहिए, ये होनी चाहिए विश्वविद्यालय प्रबंधन परिषद। माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कितनी अवधि होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 2 साल की। माध्यमिक विद्यालय में आदर्श छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आदर्श छात्र संख्या 500 से 750 छात्रों के बीच होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में सहकारी भंडार से क्या उपलब्ध होता है, तो कॉपी, लेखन सामग्री, वंचित पुस्तकें, ये सभी। माध्यमिक विद्यालय में प्रति सप्ताह में कम से कम कितने पीरियड्स होने चाहिए, 35 पीरियड्स होने चाहिए, ठीक है भाई।
एक सप्ताह की बात कर रहा है, 7 से आप इसको डिवाइड कर दो, एक दिन में कितने पीरियड्स निकल के आएंगे बताइए, है ना। और उसके बाद में माध्यमिक, और उसके बाद में एक तो संडे ही निकल जाएगा, इवन 6 से डिवाइड करिए, है ना। माध्यमिक विद्यालय में कार्य दिवस की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 58, 200 दिवस। माध्यमिक विद्यालय में गृह विज्ञान, कला एवं संगीत आदि विषय का निरीक्षण कौन करता है, ये आपके निरीक्षकों का पैनल, विशेष निरीक्षक, उचित शिक्षण अनुभव, ये सभी करते हैं। प्रधानाचार्य के रूप में चयनित व्यक्ति को कितने वर्ष का अनुभव रखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 60, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं किन से संबंध होनी चाहिए, विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त और विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रशिक्षण महाविद्यालय किन कार्यों को प्रशिक्षण की व्याख्या करे, तो भैया अभिनवन पाठ्यक्रम, लघु गहन, व्यावसायिक, विशिष्ट विषयों का कार्यशाला, सभी पी। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा से संबंधित मामलों पर विचार कौन करता है, प्रश्न संख्या 63, तो ये करता है माध्यमिक शिक्षा परिषद। स्नातकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सी परिषद होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी शिक्षण प्रशिक्षण परिषद। मुदालियर कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड था आपका, तो माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शासकीय माध्यमिक विद्यालय किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये आपके राज्य केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारत में जनतंत्रीय नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य किसने दिया, क्वेश्चन नंबर 67, ये किसने दिया भैया, तो मुदालियर कमीशन ने दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलेंगे टॉपिक की तरफ जो आपका रिलेटेड है, कोठारी कमीशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कम से कम आपको पेपर में 3 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, कम से कम बता रहे हैं हम, है ना, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और मैक्सिमम जितनी आपकी किस्मत। तो भैया कोठारी आयोग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको ना हम बहुत छोटे छोटे फॉर्मेट में पढ़ लेंगे, और अल्टीमेटली नो डाउट कि कोठारी आयोग जो है उसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं, है ना, तो उसको समझना ही अपने आप में क्या है, एक बड़ी बात है कि नहीं है, बताइए, बोलो यस मैम है। तो देखो भैया एक बार सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिएगा। आ रही है बात समझ, ठीक, शुरू करते हैं कहानी पूरी। देखो भाई, तो भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले सन 1948 में क्या किया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया, जिसके आपके अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि मेन दिक्कत तो माध्यमिक शिक्षा में है, तो उसके बाद में सरकार ने कैब की उसके आग्रह पर एक माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया 1952 में, ठीक। अब 14 जुलाई सन 1964 को बात कब शुरू हुई, तो 14 जुलाई सन 1964 को क्या हुआ, डॉक्टर डी एस कोठारी, डॉक्टर डी एस कोठारी का मतलब इनका पूरा नाम समझ लीजिएगा भैया, पूरा नाम क्या है मैं लिख देती हूँ, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, कौन, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर इसका और भी अन्य नाम के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, कर कोठारी आयोग, इसको अनूठा आयोग भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे अलग था, क्या कहा जाता है, अनूठा आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन कब हुआ था, तो गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ, और यदि पूछा जाए रिपोर्ट, रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी इन्होंने, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1964 में इनका कार्य का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। और रिपोर्ट इन्होंने कब दी थी अपनी सरकार को, तो रिपोर्ट इन्होंने 2 साल बाद लगभग 29 अगस्त 1966 को दी थी, इसमें 17 लगभग सदस्य थे, है ना, और शायद 6 की 5 जो है वो विदेशी थे, अभी एक बार चलो देख लेंगे एग्जैक्टली क्या आंकड़ा है। और जहाँ तक 692 प्रश्न थे, और इनकी रिपोर्ट जो थी वो 3 खंडों में विभाजित थी, और हर खंड में 6 अध्याय थे, राष्ट्र के विकास हो इससे रिलेटेड क्या थी इनकी, ये पूरी इन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र का
विकास हो, और इसका टाइटल इन्होंने एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट दिया था। उद्देश्य मेन यही था कि इन्हीं के आयु अब जब अगली अब क्या आएगी 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी तो वो इसी के कहने पर यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या दौलत सिंह कोठारी आयोग के कहने पर ही आगे चल के आपकी क्या बनेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनेगी। ठीक, भारतीय शिक्षा हर तरीके से क्या हो, समान हो, हर तरीके से समान का मतलब जो शिक्षा हो चाहे वो केरला में आप पढ़ो, चाहे आप यूपी में पढ़ो, चाहे आप मिजोरम में पढ़ो, जाकर के मतलब समान शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। और इनका कार्यकाल शुभारंभ 2 अक्टूबर 1966 से हुआ था। ठीक, तो क्या है ये आपने समझा कि पहले भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में आया, फिर विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा आयोग जो आया आपका वो कब आया, भारतीय शिक्षा आयोग पूछा जाएगा तो 1882 ही तो बताओगे। विश्वविद्यालय संबंधित आयोग आया था 1902 में, सेडलर आयोग आया 1917 में, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में आया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में आया, शिक्षा आयोग आपका 1964 में आएगा, वो तो बात की बात हो गई। ठीक, अच्छा, तो इसके व्यापक उद्देश्य स्वरूप और महत्व के आधार पर इसे क्या किया गया, शिक्षा आयोग 1964 और 66 के नाम से जाना गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस आयोग के ओ इसके अध्यक्ष के नाम पर यानी कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग भी कहा जाता है और अनूठा आयोग भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आयोग में कितने सदस्य थे, 17 सदस्य थे, 11 भारतीय थे और 6 विदेशी थे। क्या काम ने, टोटल 17 लोग थे जिसमें 11 भारतीय थे, 6 विदेशी थे, 6 विदेशी जो शिक्षा के विशेषज्ञ थे वो समझो सम्मिलित हैं। अब समझो अगर 6 विदेशी शिक्षक सम्मिलित थे तो ये आयोग जो होगा उसकी चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। अगर विदेशी भी सम्मिलित थे इसमें, आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास के मूल आधार मानते हुए राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के 5 उद्देश्य लक्ष्य अथवा कार्य निश्चित किए और इसे क्या कहा गया, इसे पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी गई। आयोग के गठन का सर्वप्रमुख उद्देश्य शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना भी था। इस आयोग ने भारत सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा के प्रारूप को विकसित करने का सुझाव भी दिया था। अब सुझाव इनके क्या क्या थे ये समझो, तो देखो कुछ सुझाव हम आपको बताते जाते हैं और आप उसे समझते जाइएगा। पहली बात तो कोठारी आयोग ने 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति सरकार को भेजा। कब भेजा, ये टाइटल क्या था इनका, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, ये इनका टाइटल था और 29 जून 1966 को भेजा इन्होंने। ठीक, ये प्रतिवेदन 692 पृष्ठों में था, 3 खंडों में विभाजित था और हर एक खंड में क्या था, 6 अध्याय थे। आयोग का सुझाव क्या क्या थे वो समझ लो, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। इन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है, अभी तक किसी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बात नहीं की थी, अभी तक आप पढ़ते चले जाएं। पूर्व प्राथमिक का मतलब क्या है, पूर्व प्राथमिक का मतलब होता है जैसे आपकी नर्सरी, लोअर और अपर क्लास की जो शिक्षा व्यवस्था होती है ना, LKG UKG नर्सरी, प्री प्राइमरी जिसे आप कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं क्लास फर्स्ट से पहले की जो एजुकेशन होती है, आंगनबाड़ी टाइप है ना, तो 1 से 3 वर्ष की होनी चाहिए, इन्होंने ये कहा। उसके बाद में इन्होंने कहा कि निम्न प्राथमिक आना चाहिए जो 4 से 5 साल का होना चाहिए, कक्षा 1 से 5 तक का, उच्च प्राथमिक होना चाहिए 6 to 8 तक जिसमें 3 से 4 साल तक पढ़ाई हो। उसके बाद में इन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा जो होना चाहिए वो 9 से 10 कक्षा क्लास 9-10 के लिए 2 साल का होना चाहिए, फिर उच्चतर माध्यमिक में 11-12 आना चाहिए 2 years का, स्नातक 3 साल का, ग्रैप पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का, अनुसंधान शिक्षा इन्होंने वही रिसर्च 2 से 3 साल की और 4 साल की 2 से 3 साल की है ना, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों मिला करके 10। अब यहीं पर सुझाव दिया कोठारी आयोग ने किसका, 10+2+3 का। ठीक है, और ये चीज़ 1986 में क्या हुई, लागू भी हुई थी। अब लेकिन ये लागू कब हुई थी, 10+2+3 वाली नीति, तो जब अभी आप 1968 की नीति पढ़ोगे इसके बाद फिर पढ़ोगे 1986 की, तो ये चीज़ लागू तो 86 में हुई थी, ये याद रखिएगा। कैब जो आपका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, ये आपका सबसे शक्तिशाली बोर्ड है शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार को शिक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए, ऐसा इस किसने कहा था, कोठारी आयोग ने। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो इसने कही, उसने कहा
किस राष्ट्र को सरकार को शिक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए ताकि हर राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था हो वो क्या हो, एक समान हो। और इसी का परिणाम था कि इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो है 1968 की शिक्षा नीति, वो हम आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या बातें कही गई थी? तो और कुछ खास नहीं कहा गया था, यही कहा गया था कि वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव शिक्षा आयोग ने 1964-66 में दिया। शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 70% छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था। बजट का 6% एजुकेशन पर खर्च करने का सुझाव दिया था। आयोग ने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का एक मुख्य कार्यक्रम निश्चित किया था। निम्न माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष की होनी चाहिए, 4 से 5 वर्ष में निम्न प्राथमिक और 3 वर्ष में उच्च प्राथमिक होनी चाहिए। सामान्य शिक्षा अवधि 10 वर्ष की होनी चाहिए, इसमें प्राथमिक शिक्षा निम्न माध्यमिक को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, है ना। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए और 20 वर्ष के अंदर माध्यमिक शिक्षा का 25% और उच्चतर माध्यमिक का 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जा सके, ऐसी इनकी क्या थी, मंशा थी। अच्छा, इसके बाद जब आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ चैलेंजेस हुए, जब पता चला कि 1968 की शिक्षा नीति से संबंधित बातें क्या थी, फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो कवरअप कर रहे होंगे। फिलहाल आपने जो पढ़ लिया वो क्या पढ़ लिया, कोठारी आयोग से रिलेटेड थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। देखो, बाकी जो आपको मिलेंगी वो तो मिलेंगी, उसमें किसमें मैम, हमने कहा नए फॉर्मेट में जब हम आपको करवा रहे होंगे क्वेश्चंस, तब भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए, चैप्टर नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन कब किया, शिक्षा आयोग का गठन कब किया, तो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 1964 में। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। 1966 में भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री उस समय कौन थे, अच्छा क्वेश्चन है ये तो, उस समय MC छांगला जी थे। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर 4, ये हुई थी आपकी 1952 में। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा सम पहलुओं, प्राथमिक माध्यमिक विश्वविद्यालय एवं प्रावधिक के सर्वेक्षण करे और संस्तुतियाँ प्रस्तुत करे, जिनसे समस्त स्तरों पर हमारी शिक्षा प्रणाली को उन्नति करने में सहायता मिल सकती है। ये कथन किसका था, ये कथन था आपके S. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, तो माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव जी। माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग किसने नियुक्त किया, ऑप्शन सी 1964 में। शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये 23 जून 1966 को किया गया था। शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया था, क्वेश्चन नंबर 9, ये किया था इन्होंने MC छांगला जी के समक्ष। उसके बाद में शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित था, हमने आपको बताया था, अभी बताया ना, क्वेश्चन नंबर 10, तो भैया 3 भागों में विभाजित था और हर एक भाग में कितने अध्याय थे ये भी बताया था, बताओ कितने थे फिर कमेंट सेक्शन में। शिक्षा आयोग का क्या नाम था, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा आयोग का नाम शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति था। शिक्षा आयोग की नियुक्ति का क्या कारण था, ये था समग्र शिक्षा इकाई के रूप में हो, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का एकमात्र साधन शिक्षा, और शिक्षा का आधार क्या हो, भारतीय हो, तो उपर्युक्त सभी आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय शिक्षा आयोग ने कौन सी शिक्षा संरचना प्रस्तावित की थी, मतलब अपनी रिपोर्ट में इन्होंने किसकी डिमांड की थी, 10+2+3 की। शिक्षा आयोग के अंतर्गत शिक्षा के किस स्तर की जांच आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 14, तो माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का विकास किसके माध्यम से हो सकता है, ये बात संपूर्ण शिक्षा के माध्यम से हो सकता है कही गई थी। शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा क्षेत्र की जांच किस करके किस प्रकार की प्रणाली का विकास किया जा सकता है, तो संतुलित, सुसंतुलित एवं सुसंगठित शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा सकता है। शिक्षा आयोग के पूर्व शिक्षा किस ढांचे पर आधारित थी, ये थी ब्रिटिश ढांचे पर आधारित। शिक्षा के द्वारा किन चीजों का विकास किया जा सकता है, रहन सहन के उच्च स्तर का, कृषि तथा उद्योगों का, गरीबी दूर करने का, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शिक्षा आयोग की नियुक्ति का क्या कारण था, ये था शिक्षा के प्रति असंतुष्टि की भावना। शिक्षा के प्रति असंतुष्टि किन कारणों से प्रतीत होती है,
निरक्षरता का समाधान नहीं हुआ, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था नहीं लागू हो पाई, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम लागू नहीं हुआ, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया था? प्रश्न संख्या 21, ये चलाया था इन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम, है ना। आयोग ने राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम में क्या प्रस्तुत किया? शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, शिक्षा के द्वारा नैतिक आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना। तो ऑप्शन डी, ये सभी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो देखिएगा, आयोग ने शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य किसे कहा है? ये कहा है इन्होंने राष्ट्रीय विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, शिक्षा आयोग ने शिक्षा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिया था? विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास हो, विज्ञान को प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य अंग बनाया जाए, उच्च शिक्षा में कृषि एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षा आयोग के अनुसार समाज व राष्ट्र की सेवा को शिक्षा के किस स्तर तक अनिवार्य बनाया जाए? ये इन्होंने कहा सभी शैक्षिक स्तर तक अनिवार्य बनाया जाए। शिक्षा आयोग के अनुसार राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि के लिए कौन सी क्रियाएं सहायक हो सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 26, तो इतिहास, धर्मशास्त्र, साहित्यिक दर्शन, ये सभी सही हो जाएगा। आयोग ने 14 वर्ष की आयु तक बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के किस सुझावों के अंतर्गत रखा था? ये रखा था इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के अंतर्गत। आयोग ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने के लिए क्या सुझाव दिए थे? क्वेश्चन नंबर 28, ये दिए थे इन्होंने तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था, सामान्य व्यक्ति के शैक्षिक स्तर को उन्नत करना और स्वतंत्र निर्णय व चिंतन, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। शिक्षा आयोग के अनुसार 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा की संरचना में पूर्व प्राथमिक की अवधि क्या थी? क्वेश्चन नंबर 29, देखो पूछ दिया गया ना पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी, तो 1 से 3 साल। शिक्षा आयोग के अनुसार 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा की संरचना में निम्न प्राथमिक की अवधि क्या थी? अवधि का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, तो 4 से 5 साल की। आयोग ने प्राइमरी शिक्षक के लिए सेकेंडरी शिक्षा के बाद कितने वर्ष का प्रशिक्षण काल रखा था? 2 वर्ष का। आयोग के अनुसार 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा की संरचना में उच्च प्राथमिक शिक्षा की अवधि क्या होनी चाहिए? 2 से 3 वर्ष। शिक्षा आयोग के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 7 वर्ष। शिक्षा आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा की नवीन संरचना की रूपरेखा क्या है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 2 या 3 वर्ष का स्नातकोत्तर कोर्स, 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स, 2 या 3 वर्ष की द्वितीय डिग्री कोर्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिए? तो शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 65 वर्ष के बीच हो, असाधारण कार्य को करने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। आयोग के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण में बीए एमए में कौन सा विषय होना चाहिए? इन्होंने कहा कि शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए स्नातक डिग्री के बाद कितने वर्ष का प्रशिक्षण रखा? यही टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज की बात हो रही है, हवा में नहीं रही है, समझ रहे हैं बात को, क्वेश्चन को समझिए केवल। तो 1 से 2 वर्ष। आयोग के अनुसार स्नातकोत्तर कोर्स की अवधि कितने वर्ष की कर देनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 38, 1.5 साल। आयोग के अनुसार किस पंचवर्षीय योजना के अंतर, एक मिनट, आयोग के अनुसार स्नातकोत्तर कोर्स 2 साल होना चाहिए, है ना। आयोग के अनुसार किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रथम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो जानी चाहिए? चौथी पंचवर्षीय योजना। आयोग के अनुसार किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हो जानी चाहिए? 5वीं वर्षीय योजना तक। आयोग के अनुसार आने वाले 10 वर्षों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को किन छात्रों के लिए निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए? तो धनहीन छात्रों के लिए और योग्य छात्रों के लिए, दोनों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आयोग के अनुसार निम्न प्राथमिक स्तर पर कौन से विषय मुख्य होने चाहिए? वातावरण का अध्ययन और प्रारंभिक गणित, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आयोग के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए? ये करना चाहिए मातृभाषा हिंदी या अंग्रेजी, तीनों।
निम्न माध्यमिक स्तर पर आयोग ने कितनी भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 44। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 भाषाओं पर। आयोग के अनुसार निम्न माध्यमिक स्तर पर कौन से विषय मुख्य होने चाहिए? तो गणित, विज्ञान, कला, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल सब होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आयोग ने कितनी भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 46। 2 भाषाओं पर। आयोग के अनुसार शिक्षा की नवीन ज्ञान से परिचित कराने के लिए किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? तो वर्कशॉप, गोष्ठी और शिक्षक सम्मेलन, ये सभी। आयोग के अनुसार अच्छी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में किसकी सहायता ली जाए? क्वेश्चन नंबर 48। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद। आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 40 होनी चाहिए। आयोग के अनुसार निम्न प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये 50 होनी चाहिए। आयोग के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये भैया आपकी 45 होनी चाहिए, याद रखिएगा। आयोग ने छात्रों की योग्यता के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक परीक्षाओं के अतिरिक्त किन परीक्षाओं पर बल दिया है? तो इन सभी पर, मौखिक, वास्तविक और प्रयोगात्मक। शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को उन्नत करने और व्यवसाय में प्रतिभावान तरुण व्यक्तियों की प्रतिपुष्टि के लिए साधन और सतत प्रयास आवश्यक है, ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 53। ये कहा है शिक्षा आयोग ने। त्रिभाषा सूत्र किसके द्वारा बनाया गया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का। त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कब किया गया? 1961 में। स्वतंत्र भारत का पहला आयोग, देखो आया ना वही क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत जोड़ दिया है बच्चा पार्टी, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग, ये था आपका कोठारी। भारतीय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के कौन से उद्देश्य बताए हैं? तो सत्य व ज्ञान की खोज, उचित नेतृत्व का विकास, समानता व न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन, ये सभी आपका एकदम सही हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा कल्याण परिषद को ग्राम सेविकाओं द्वारा शिक्षा प्रसार के कार्यक्रम किसके लिए चलाना चाहिए? तो ये चलाना चाहिए स्त्रियों में निरक्षरता उन्मूलन के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष के बालकों के लिए होनी चाहिए? 6 से 11 वर्ष के लिए। भारत में शिक्षा के 10+2+3 स्तर की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की? ये की थी कोठारी आयोग ने। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का संचालन करता है, तो कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है। फिर है नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना क्या थी? ये थी आपकी 10+2+3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो देखो, इन्होंने यहाँ पर तो चैप्टर दे दिया क्या 1986, और जो नेशनल एजुकेशन प्लान यानी प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन 1992, लेकिन हम आपको 1968 की भी शिक्षा नीति आई। देखो भाई, समझिएगा बात को, जो आपका कोठारी आयोग था ना, ये आया था आपका 1964 में, फिर उसके बाद में 1968 में आपकी क्या आई थी, शिक्षा, नई शिक्षा नीति आई थी इन्हीं के रिकमेंडेशन पर, कह सकते हैं इन्हीं की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर आई। तो अब हम आपको डायरेक्टली तो 1986 नहीं पढ़ा सकते हैं ना, तो 1968 वाली पहले बताएंगे हम आपको, फिर आपको 1986 वाली पढ़ा देंगे। 1968 वाली में हम आपको बता दें, जो आपके कोठारी आयोग थे 1966 में जब इनकी रिपोर्ट पेश की गई, तो इसके बाद ही 15 अप्रैल 1967 को संसद में सदस्यों की समिति का एक गठन किया गया था, है ना, और इनको यही NEP 1968 का एक तरीके से नाम दिया गया। इनको ये काम दिया गया, क्या काम दिया गया इस समिति को, कि कोठारी आयोग के जो सुझाव हैं उन पर विचार किया जाए, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी बनेगी उसका प्रारूप तैयार किया जाए, प्राथमिकताओं को आधार बना करके रूपरेखा तैयार की जाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अंतिम रूप जो दिया गया वो 24 जुलाई 1968 को पहली NEP तैयार हुई, जो वो 9 प्रस्तों में प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत आपके क्या क्या उद्देश्य निम्नलिखित थे, कि शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है, शिक्षा की व्यवस्था पर केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व हो, इससे पहले किसके हाथ में थी, तो राज्य के हाथ में, अब किसके हाथ में हो गई,
तो समवर्ती सूची का विषय, अब ये समवर्ती सूची का अगर विषय हुआ तो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ। शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय किया जाएगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था। 10+2+3 शिक्षा संरचना पर जोर दिया गया। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र अपनाने की बात कही गई। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी बात की गई थी। ठीक, इतनी बात होप्सो की आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो बात हुई, अब उसके बाद में हम आपको बताते हैं अब जो आई आपकी नीति, कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उस समय की जो एजुकेशन चल रही थी, मतलब प्रेजेंट टाइम पे एट दैट टाइम, तो वो पूरी शिक्षा व्यवस्था का पूरे जांच वाच करवाई है ना, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बच्चों को, टीचर्स को, सोसाइटी को, उसी को क्या किया, अगस्त 1983 में इन्होंने प्रकाशित किया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति का सांख्यिको विवरण और उसकी उपलब्धियां, असफलताएं, लेखा जोखा, सब गुण दोष, मतलब हर एक चीज़ मिलती है। केंद्रीय सरकार ने राज्यों द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। अब संसद में क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया, फिर सन 1968 में प्रारंभ हुआ। संसद में पास होने के बाद में इसको मई 1986 में प्रकाशित किया गया। ये भारत की इवन दूसरी शिक्षा नीति थी जिसमें क्या था, नीति के साथ साथ एक चीज़ आप याद ज़रूर याद रखिएगा, 1968 और 1986 में हमने आप लोगों को एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताया था कि इसके साथ कार्य योजना नहीं दी गई थी, यानी कि 1968 की पूरी समिति तो बना दी गई और शिक्षा व्यवस्था पूरी NEP आई आपकी, लेकिन उसमें वर्क प्लान नहीं दिया गया। 1986 वाले में वर्क प्लान भी दिया गया था कि आखिर इस पर कैसे कार्य किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो भारत की पहली शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की इवेंट जो थी, जिस पर पूर्ण रूप से कार्य योजना के संबंधित भी बात कही गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 12 भागों में दस्तावेज को विभाजित किया गया था। इन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत 1986 में प्रारंभ कर दिया गया था। नवंबर 2000 में भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 घोषित जब हो गई, उसके बाद 1987-88 में भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने क्या कहा कि अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए सबसे बड़ी बात ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। अच्छा, हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि प्राइमरी में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का क्या काम था, कितने हॉल, कितने कमरे, कितने टीचर्स का क्या क्या इन्होंने जो है करवाना था, है ना, ये बताने। अब 1979 में ब्रिटेन में सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, और भारत में यदि पूछा जाए खुले विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1982 में आंध्र प्रदेश में की गई, और इग्नू की स्थापना दिल्ली में हुई, कब हुई, 1985 में हुई। तो भारत में अब तक कितने ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके, 10, जहाँ से डिस्टेंस लर्निंग से आप पढ़ाई कर सकते हैं। 1990 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्या हुई थी भैया, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, अब राष्ट्रीय देखो शिक्षा नीति 1986 आ गई, अब भाई 1986 वाली पूरी आराम से चलने लगी, लेकिन एक समय के बाद में इसमें भी कमियां महसूस की गई और अब ये हुआ कि इसमें भी बदलाव की आवश्यकता है। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी वो ठीक तरीके से काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी, इस पर कार्य योजना आई 1992 वाली, उसमें इन्होंने कुछ बदलाव किया और बदलाव जो किया को इसी को हम लोग संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से भी जानते हैं। इस योजना में कार्य योजना जो आई इसमें क्या था कि ये 24 भागों में विभाजित थी। कार्य योजना देखो, पहली बात तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी वो 24 भागों में विभाजित थी, लेकिन जो कार्य योजना 1992 आई वो केवल 23 भागों में ही विभाजित थी। शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पूरे देश में 10+2+3 के शैक्षिक ढांचे को अपनाने का भी सुझाव दिया गया, और इस नीति ने 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना निर्मित की थी। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड से संबंधित प्रश्न जरूर बनेगा, याद रखिएगा। थी तो प्राइमरी स्कूल से संबंधित चीज़ों को मैनेज करने के लिए, लेकिन एक समय के बाद उच्च शिक्षा को भी देखा इसने, और
लेकिन ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर भी सन 1992 में लागू किया गया। कब? 92 में लागू किया गया। ठीक, आपने 1968 पढ़ ली, 1986 पढ़ ली, अब बात आती है NEP 2020 की। अच्छा, NEP 2020 की अब हम आप लोगों को जो जो रिकमेंड करेंगे वो काम ज़रूर करना है, कसम खा लो आप। क्या कसम खा लो? पहला काम तो ये कि पेपर वन की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें NEP 2020 के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स की क्लास हमने करवाई थी, पेपर वन की बात कर रहे हैं, वो क्लास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ज़रूर देखिएगा जा करके। आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि जब आप प्ले स्टोर से PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करके अब आराम से पढ़ रहे होंगे, है ना, अब प्ले स्टोर पर जाना होता नहीं होगा रोज रोज, लेकिन आपको प्ले स्टोर पर जाना है और PG पॉइंट सर्च करना है और वहाँ पर एप्लीकेशन अच्छा है इससे रिगार्डिंग बढ़िया सा एक फीडबैक दे देना है। ठीक, ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब NEP 2020 की बात आ ही गई है तो समझ लेते हैं ये भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मंडल द्वारा आपको मंजूरी कब दी गई थी ये भी पढ़ लो लगे हाथ, है ना, NEP पढ़ रहे हो तो याद रहे ताकि। तो 29 जुलाई 2020 को, किसी का बर्थडे तो नहीं होता है 29 तारीख को जुलाई में, बता देना। तो इस नीति के द्वारा विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते भी खुले। ये नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 1986 थी उसको क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी। इस नीति में भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य जो थे उसको भी अपनाने की बात कही गई, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? तो पद्म विभूषण से सम्मानित ऑलरेडी जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे। समिति का नाम भी कस्तूरी रंगन समिति दिया गया था। समिति का गठन जून 2017 में किया गया था। मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जो है वो कैबिनेट में प्रेजेंट कर दिया गया था। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी भी मिल गई थी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो MHRD था ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। और शिक्षा मंत्रालय करने के बाद में इसको क्या कहा जाने लगा? मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री। और शिक्षा और सीखने, एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः अधिक ध्यान देने के लिए आकर्षित किया गया। और इसके तहत ये भी कहा गया कि कक्षा 6 से ही हम बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे जाकर के। तो बहुत अच्छी अच्छी बात कही थी इन्होंने। ये भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक हम सकल नामांकन अनुपात GER को 100% लाने तक का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक तरीके से व्यय किया जाएगा। ECCE स्कूल टीचर और प्रौढ़ शिक्षा का एक जोड़ा पूरा होगा। ECCE क्या है? जो आपके प्राइम मतलब नर्सरी लोअर अपर के बच्चे होते हैं ना, इनके लिए है। ओके, ई लर्निंग पर बहुत ज़्यादा मतलब सब चीज़ें कही गई। पहले जो अभी आपने पढ़ी वो 10+2+3 पढ़ी, अब क्या शैक्षिक ढांचा होगा? 5+3+3+4 होगा। अच्छा, तो तीसरी शिक्षा नीति ये थी। आप अगर देखो तो हाई स्कूल को क्या किया गया? 15 साल का हो जाएगा। अच्छा, ये आप ज़रूर समझिएगा कि ये जो शिक्षा नीति थी इसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से 4 भाग? हमने आपको बताया 5+3+3+4। तो 5+3+3+4 में जो थी इसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया। क्या कहा गया? फाउंडेशन स्टेज। इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया, इसको मिडिल स्टेज कहा गया और इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया। अच्छा, नर्सरी लोअर अपर फर्स्ट और सेकेंड तक की बात 5 में कही गई, 3rd 4th 5th की बात 3 में कही गई, 6 7 8 की बात 3 में कही गई, 9 10 11 की बात 4 में कही गई। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा 9th में कोई सब्जेक्ट अपडेक्ट तो चूज़ नहीं करते थे, 11th में सब्जेक्ट तो चूज़ करते थे, लेकिन अब इस नीति के तहत क्या कहा गया कि बच्चा क्लास 9th में ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएगा। इवन अगर बच्चे को हिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़ने का मन है या हिस्ट्री के साथ बायो पढ़ने का मन है तो अपने हिसाब से भी वो सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा, ऐसा आपके NEP में कहा गया है, याद रखिएगा। और इन्होंने 3 से 18 वर्ष में पूरी एजुकेशन को कंप्लीट करवाने के लिए भी कहा है ना, कि 18 साल में बच्चा अपना पूरा पढ़ाई कर चुका है। अभी तक भारत में डीम्ड राज्य और सेंट्रल विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम थे, लेकिन अब सब एक समान नियम लागू होंगे। केवल किन 2 क्षेत्रों को छोड़ करके? तो लॉ और डॉक्टरी के क्षेत्र को छोड़ करके बात कही गई थी ये। ठीक, इतनी सी केवल बात थी आपके NEP 2020 में भी, है ना। कुल मिला के आपने 1968, 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमसे तीनों पढ़ लिया है। तो अब आपकी बारी है क्वेश्चन की भाई, तो तीनों से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो भी फटाफट से आपको करने हैं हमारे साथ में। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो ये वाली है इससे संबंधित 100 क्वेश्चन तो कम से कम अभी हम करवा ही दे रहे हैं आपको लगे हाथ,
तीनों मिलाकर के 125 क्वेश्चंस तक शायद हो जाएं। आज की इस क्लास में फिर ही अमेंड करेंगे, कोई जाएगा नहीं। आपको एक मोटिवेशन सुना देते हैं अगर आप बोर हो रहे हैं या कुछ, तो भैया मोटिवेशन ये है कि अगर आपने ठान ली है तो जीत होगी और अगर आपने मान ली है तो हार होगी। तो वैसे भी कहावत भी कही गई कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान ली है तो जीत होगी और मान अगर आपने मन में मान ली है तो हार होगी, है ना। तो इसलिए ठानिए कि जीतेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। 1964 में डॉक्टर कोठारी ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर कब बल दिया। 1966 में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। 45 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस शैक्षिक संरचना में स्वीकार किया गया। 10+2+3 में 10+2+3 राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 ये हुआ था आपका 1973 में। राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर पीडी शुक्ला। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कब हुआ, ये हुआ 1986 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 ये था आपका 1968। मानवतावादी आदर्शों को स्थापित करने के लिए किस नीति को अपनाया गया, क्वेश्चन नंबर 9 ये अपनाया गया 1986 की शिक्षा नीति को। 10+2+3 की संरचना कितने स्तर में बटी, ऑप्शन डी। यानी कि प्रथम 10 वर्ष, 5 वर्ष की प्राथमिक, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक, 2 वर्ष की हाई स्कूल, 2 इंटरमीडिएट, 3 आपका प्रथम डिग्री कोर्स यानी ग्रेजुएशन। निम्नलिखित में राष्ट्रीय मूल कौन से, क्वेश्चन नंबर 11। तो भैया समाजवाद, पर्यावरण का संरक्षण, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा किस शिक्षा नीति को घोषित किया गया, क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, 1968, 86 और यहाँ पे 1979 लिखा है। अच्छा खैर वो ऑप्शन ही गलत है मान लो। देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है, इसके लिए नई शिक्षा नीति निर्धारित की जाएगी, ये कथन किसका था, इंदिराजीव गांधी का था आपके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने भाग थे, अभी बिल्कुल बताया 12 भाग थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने कितने कार्यदल गठित किए थे, 23 कार्यदल गठित किए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यदल में निम्नलिखित में से कौन शामिल था, विशेषज्ञ शिक्षा शास्त्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, ये सभी शामिल थे। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श कब प्रारंभ हुआ आपका, तो ये प्रारंभ हुआ आपके 1968 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में एक शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया, कैसा वो शैक्षिक ढांचा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10+2+3 का जनता सरकार द्वारा घोषित की गई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना का स्तर क्या होगा, तो आपका +4 माध्यमिक, +3 उच्च स्तर की शिक्षा, 8 वर्ष के प्रारंभिक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई, ये की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है, संवर्ती सूची में। संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल कब किया गया, तो ये किया गया था आपको 1976 में। नई शिक्षा नीति में निरक्षरता उन्मूलन के कार्यक्रम कितने आयु वर्ग के लोगों के लिए होगा, तो ये होगा आपके 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए। उसके बाद में क्या है कि हमारा भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सबके लिए शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र क्या है, ये है सभी के लिए समान शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था किस ढांचे पर आधारित होगी, एक ही पाठ्यक्रम पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतराल में कितने वर्षों तक निरक्षरता का उन्मूलन हो जाना चाहिए, 10 वर्षों तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित था, पहली बात तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, लेकिन 1992 में जब कार्य योजना आई तो उच्च शिक्षा से भी संबंधित है, तो फिलहाल तो आप सी लगाओगे, है ना। राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत किस स्तर में विद्यार्थियों हेतु अनुत्तीर्ण हो जाने से योजना लागू की गई, प्राथमिक स्तर पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस स्तर से त्रिभाषा सूत्र लागू करने के लिए जोर दिया गया था,
तो माध्यमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा किससे संबंधित होनी चाहिए? रोजगार से। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के विद्यालय खोले जाने चाहिए? नवोदय विद्यालय। समाज के निर्बल एवं कमजोर वर्ग के प्रतिभावान मेधावी छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा दे दी जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो आप लोगों को एक बात बता दें, भारी डिस्काउंट आ चुका है ऐप में। अब आप कोई भी PDF खरीदेंगे जो आपकी ई नोट्स में प्रेजेंट है MCQs की, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को छूट मिल रही है। अब जो PDF थी वो बहुत सस्ती हो गई है, जिसने नहीं ली है जा करके अभी भी ले सकता है, ये अंतिम सुनहरा मौका है। ये तो हम आपको प्रैक्टिस जो करा रहे हैं कराई रहे हैं, वो क्वेश्चंस भी हैंड रिटन एकदम अल्टीमेट हैं, याद रखिएगा। उनका क्वेश्चन का जो डिवीजन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम करते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के विद्यालय खोले गए? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, नवोदय विद्यालय। समाज के निर्बल एवं कमजोर वर्ग के प्रतिभावान मेधावी छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? गुणात्मक, रोजगार परक, व्यावसायिक, ये सभी सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किन बालकों को आरक्षण दिया जाए? पिछड़े बालकों को और अनुसूचित जाति दोनों लोगों को। नई शिक्षा नीति के 8वें खंड में किन विषयों में सुधार की आवश्यकता है? परीक्षा प्रणाली में और मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार, दोनों ही सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल्यांकन का आधार क्या है? ग्रेड के द्वारा। नई शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 की बात की गई है। नई शिक्षा नीति के आधार पर प्रश्न पत्रों की संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए? ये होनी चाहिए वस्तुनिष्ठ। नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? जो क्या हो, योग्य हो, अनुभवी हो और निर्धन छात्र हो, ठीक, तो सभी सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के द्वारा विद्यार्थियों में किसका विकास किया जाए? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विशिष्ट ज्ञान का विकास और कुशलता का विकास। नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों में कैसे अध्यापक नियुक्त किए जाए? ये अनुभवी व योग्य अध्यापक नियुक्त किए जाए। नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा में शिक्षकों की पदोन्नति किस प्रकार की जाए? योग्यता के आधार पर। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किसी कारणवश अध्ययन से वंचित छात्र को किस प्रकार शिक्षित किया जाए? दूरस्थ शिक्षा द्वारा, पत्राचार द्वारा, खुला विश्वविद्यालय द्वारा, उपर्युक्त, सभी सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा सबको उपलब्ध कराने के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाए? पत्राचार शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा, ये सभी सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के सुझाव द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1985 में। मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो आपकी आंध्र प्रदेश में हुई थी। हाँ देखो, सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना तो आंध्र प्रदेश में हुई थी, लेकिन अब ऑप्शन ही नहीं है तो आप दिल्ली लगा करके आइए, इग्नू में हुई है ना। वैसे तो सबसे पहले बताया ही था दिल्ली में किस राष्ट्रीय मुक्त की हुई, तो हमने बता दिया था आपको, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किस शिक्षा के बारे में वर्णन है? व्यावसायिक शिक्षा, प्रबंध शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये सभी तकनीकी व प्रबंध शिक्षा का लक्ष्य माना गया है। दृष्टिकोण में परिवर्तन, वैज्ञानिक परिवर्तनों का ज्ञान, उसके अलावा अन्वेषण का ज्ञान, ये सभी सही हो जाएगा। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित लाभान्वित किया जाए किसे? तो पिछड़े वर्ग के छात्रों को, महिलाओं को और निर्धन छात्रों को, इन सभी को। नई शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षकों के स्तर को किस प्रकार ऊंचा उठा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 50, तो योग्यता के द्वारा, योग्य वेतन के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, ये सभी सही हो जाएगा। प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए किस संस्था की स्थापना की जाए? क्वेश्चन नंबर 51, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। नई नीति के आधार पर महिलाओं के लिए कौन सी शिक्षा व्यवस्था की होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी व्यावसायिक, प्रबंध और तकनीकी शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए किस आयु के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था? नेशनल लिटरेसी मिशन, जिसे आप NLM के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए। प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए किन उपकरण का प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 54, तो आपका TV और रेडियो का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो ये थोड़ा सा ब्लर है, इसको स्किप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? नई शिक्षा नीति के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पद्धति केंद्रित थी, किस पर केंद्रित थी? तो बालक पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या था? आवश्यक सुविधा देना। नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा का नियंत्रण कौन रखेगा?
शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा में किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रामीण विश्वविद्यालय, दूरस्थ विश्वविद्यालय, विमुक्त, ये सभी। नवोदय विद्यालयों की स्थापना कब की गई? ये की गई थी आपकी 1985-86 में। नवोदय विद्यालय समिति किस प्रकार की संस्था है? ये है आपकी स्वायत्त और एक सरकारी संस्था। ऑप्शन ए एंड बी डी एकदम आपका सही हो जाएगा। नवोदय विद्यालय में प्रवेश किस परिषद द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 65। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा किस कक्षा से प्रारंभ होती है? ये होती है आपकी कक्षा 6 से। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है भैया? दिल्ली में। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का दूसरा क्या नाम है? ये नाम है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक्ट। नेशनल काउंसिल, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का यह एक्ट कब बनाया गया? 1993। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन कितने वर्ष बाद किया जाएगा? 5 वर्ष बाद। भारतीय सरकार ने एक नई समिति का गठन किया, कब किया? 1990 में किया। नई समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ यदि पूछा जाए? यशपाल समिति। राममूर्ति शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रदान की? 1990 में। राममूर्ति शिक्षा समिति के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड द्वारा कितने विद्यालयों को लाभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 74, 30% विद्यालयों को। राममूर्ति शिक्षा समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया गया? तो अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करना, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना, ये सभी आपका सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित रूप कब प्रस्तुत किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1992। ठीक, उसके बाद में क्या है देखो क्वेश्चन। भारत सरकार 1992 में एक नई शिक्षा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? सी जनार्दन रेड्डी। प्रोफेसर यशपाल ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यशपाल समिति के सदस्य सचिव कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जी एल अरोरा। प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन डी राजनीतिक एकता का विकास, सामाजिकता एकता का विकास और राष्ट्रीय एकता का विकास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। समेकित बाल विकास कार्यक्रम किस वर्ग के बच्चों के लिए होगा? ये होगा आपके शिशु वर्ग के लिए। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था निर्धन शिशुओं का देखभाल करना, निर्धन कार्यरत स्त्रियों की मदद करना, शिशु के छोटे भाई बहनों को स्कूल जाने की सुविधा देना, ये सभी। प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए एक श्रमिक अभियान कौन सा है? ये है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को चलाने का किसका कार्य होगा? स्वयंसेवी संस्थाएं और पंचायती राज दोनों का। नई शिक्षा नीति ने 1995 तक किस आयु के बालकों को शिक्षित किया जाए कहा था? तो 14 वर्ष तक के, 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो? तो निःशुल्क और अनिवार्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नई शिक्षा के पुनर्गठन के माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार के विषयों को बढ़ावा दिया जाए? उद्योग से संबंधित शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि आधारित शिक्षा, ये सभी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में राममूर्ति समिति के शिक्षा के प्रति सुझाव थे,
क्या थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा तथा उसका क्रियान्वयन, नीति के संशोधन के संदर्भ में सुझाव देना, संशोधन नीतियों का क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना, ये सभी था। जीवन पर्यंत स्वतः अध्ययन तथा दक्षता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों की पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए तौर तरीके के विषय में सलाह देना, ये विचार है। ये विचार है आपके यशपाल समिति का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई थी आपकी? ये आई थी 1986 में। राष्ट्रीय टंडन खुला विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? तो ये आपका इलाहाबाद में। दूरस्थ शिक्षा का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? तो ये सबसे पहले आपका इंग्लैंड में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किससे रिलेटेड था आपका? तो प्राथमिक शिक्षा था। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? तो ये आपका नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय किससे है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित। ठीक, अब देखो NEP 2020 की बात कही गई है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, चलो NEP 2020 से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको भी कर लो अब लगे हाथ, है ना, क्योंकि पढ़ा तो दिया ही हमने, है ना। पहला क्वेश्चन तो मिस हो गया है, दूसरा क्वेश्चन से शुरू करो, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डैश से डैश तक शैक्षणिक बदलाव प्रस्ताव है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रतन अधिगम और संकल्पनात्मक समझ। NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। NAC का नाम क्या है? ये है भैया परख, PARAKH। अब परख का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। NEP 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? ये था सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या था? ये था भैया मानदंड, मात्रक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। ठीक, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए? तो 50% तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। NEP 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिंग समावेश कोष। नवगठित मसौदा NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे आपके? क्वेश्चन नंबर 8। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। NEP के अनुसार शिक्षक विषयों को कौन सी कक्षा तक क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ाया सकते हैं? कक्षा 5। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल करती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 से 18। NEP 2020 में उल्लिखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुझाया गया दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए दिव्यांग बच्चे। NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर को समाविष्ट करती है? कक्षा 9 से 12। ठीक, फिर देखिए आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन ए विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम का कौशल या परीक्षण। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो ये सीखना कि कैसे सीखना है। NEP का ढांचा 5+3+3+4 का था, ये तो याद ही हो गया होगा, ये क्वेश्चन आएगा भी, लिखवा लो आज हमसे। और तब भी गलत करके आओगे तो महामूर्ख की श्रेणी में आ जाओगे। ठीक, NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रत्येक छात्र की रचनात्मक क्षमता। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य डैश का विकास है, किसका विकास है? तो प्रत्येक छात्र की रचनात्मकता क्षमता।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक संगठन प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए NEP 2020 प्रस्तावित शैक्षिक संरचना तैयार करेगा? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। NCERT करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तो योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, इनकी वकालत नहीं की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 द्वारा किए गए प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो NEP 2020 में तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? बी, NEP 2020 में रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में स्थानांतरण का प्रस्ताव ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ठीक, तो देखो नो डाउट कि क्लास तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों मैम, आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? हमने कहा सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है क्योंकि NEP 2020 से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन है ये। अब फिर मैम और क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे इससे रिलेटेड? हमने कहा भैया, हमने कहा ऐसे ही नहीं, हमने कह दिया था कि पेपर वन का PG पॉइंट से ले लेना जा करके। 1300 से ज़्यादा MCQs हैं, केवल NEP 2020 के ही 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, मतलब 1300 से ज़्यादा अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, समझ रहे हैं आप? तो जिन्होंने नहीं लिया ले लीजिएगा जा करके, क्योंकि आज से और भी ज़्यादा हमने क्या किए, डिस्काउंट दे दिया है। अब इससे ज़्यादा तो कुछ डिस्काउंट नहीं होगा ये मान के चलिए। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली बात तो PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर आना है। उसके बाद में आपको अपना फीडबैक भी देना है इस क्लास का, कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है, और प्ले स्टोर पे ऐप का भी फीडबैक दे दीजिएगा आप लोगों से, ये हमारी रिक्वेस्ट है। गुरु दक्षिणा मान लो, कुछ भी समझ लो इसको। उसके अलावा अब आप क्या चाहते हैं, पेपर 2 चाहते हैं कि पेपर 3 चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, फिर से एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि सब लोग इस क्लास को देख लें। क्लासेस ये वाली बहुत कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। पूरा पेपर वन हमने आपको बहुत अल्टीमेट तरीके से कवर अप करवाने की कोशिश की है। बस NEP 2020 वाला माजरा कम हमको समझ में आया क्योंकि इसमें 20-21 क्वेश्चन दिए, जबकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं, जो इन्होंने दिए ही नहीं हैं, जो हमने आपको कोर्सेज में दिए हैं। नो डाउट कि उससे क्वेश्चन पेपर में भी बनेगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है ना। ठीक, और बस करेंगे हम सेशन को यहीं सेंड। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।